एक शहर में पृथ्वी नाम का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, जिसका एक एनजीओ होता है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते थे, जो घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। तभी एक दिन पृथ्वी अपने ऑफिस में काम कर रहे दो स्टाफ को अपने पास बुलाकर कहता है, करण और पिता, तुम दोनों इस ऑफिस के सबसे ज्यादा होशियार स्टाफ हो, इसलिए मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम दोनों कम से कम 20 से 30 घरों में जाकर लोगों की समस्याओं को दूर करो। जिसे सुनकर करण और पिता पृथ्वी से कहते हैं, जी सर, जैसा आप कहें। जिसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जाकर करण और प्रीता दोनों ही घर घर जाकर लोगों की समस्याओं पूछकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों एक घर में जाते हैं जहां एक फैमिली फंक्शन चल रहा होता है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और वहां पर कुछ नहीं कहते दोनों वहां से निकलकर एक दूसरे घर में जाते हैं जहां भी एक फैमिली फंक्शन चल रहा होता है, जिसे देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब प्रीता करण से कहती है, करण तुमने देखा दोनों ही फैमिली अपने घरों में फंक्शन को कितने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिसे सुनकर करण कहता है, यार तुम्हें पता है ये फैमिली फंक्शन तो सेलिब्रेट कर रहे हैं पर इनके पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि ये बहुत गरीब है, इसीलिए अपने फंक्शन को अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। तब प्रीता कहती है, नहीं यार, दोनों ही फैमिली बहुत अच्छे से फैमिली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि दोनों फैमिली गरीब है। तब करण कहता है, मैं दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक फैमिली की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें से एक ही फैमिली अमीर है जो अपने फैमिली फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे। और फिर प्रीता से कहता है, एक काम करो, तुम जरा इन दोनों फैमिली को ध्यान से देखो, जिसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन सी फैमिली इनमें से अमीर है। तो दोस्तों, क्या आप इस तस्वीर को देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी फैमिली अमीर है? अगर हाँ, तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि प्रीता को कैसे पता चला कि कौन सी फैमिली अमीर है। तो आपको बता दें, प्रीता जब इन दोनों फैमिली को ध्यान से देखती है तभी उसकी नजर दोनों फैमिली के फंक्शन पर जाती है, जिसके लिए दोनों फैमिली ने बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन कर रखी होती है। लेकिन उनमें से नंबर दो वाली फैमिली ने अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से और एक्सपेंसिव चीजों से डेकोरेट कर रखा था, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि इन दोनों फैमिली में से नंबर दो वाली फैमिली ही अमीर है, जो फैमिली फंक्शन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग पहेलियों के जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।